दोस्तों, ये फिल्म रिलीज होने से पहले फिल्म प्रोडक्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और मुझे यकीन है कि रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस के भी सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की मेगा बजट और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म 2.0 की। यह फिल्म 2010 में आई रोबोट का सिक्वल है और इसका नाम रोबोट 2 रखा जाना था, लेकिन एक लीगल इशू के कारण इसका नाम 2.0 रखा गया। दोस्तों, आज तक की बॉलीवुड की कोई भी 3D फिल्म पहले 2D में शूट होती है, फिर उसे कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से 3D में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन दोस्तों 2.0 भारत की पहली ऐसी फिल्म होगी जिसकी शूटिंग डायरेक्ट 3D कैमरों और 3D ग्लासेस लगाकर की गई है, जैसे कि हॉलीवुड की 3D फिल्मों की जाती है। दोस्तों, बाहुबली के दोनों पार्ट का कुल बजट 430 करोड़ था, लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि सिर्फ 2.0 का टोटल बजट 450 करोड़ है। तो आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए कि ये फिल्म कितनी बड़ी होगी। फिल्म में अक्षय कुमार एक साइंटिस्ट डॉक्टर रिचर्ड का किरदार निभाते नजर आएंगे, जो एक एक्सपेरिमेंट के दौरान खुद को एक भयानक क्रोमैन यानी कौवे के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। अक्षय कुमार के मेकअप में 4 से 5 करोड़ का खर्चा आया है। दोस्तों, इतने में तो विक्की डोनर और पान सिंह तोमर जैसी कई फिल्में बन गई थी। इसके साथ ही आपको ये भी बता दूं कि अक्षय कुमार इस 2.0 फिल्म से अपना पहला तमिल डेब्यू कर रहे हैं। उनके इस रोल के लिए सबसे पहले फिल्म मेकर्स ने कमल हसन, विक्रम, ऋतिक रोशन, नील नितिन मुकेश और यहाँ तक कि अर्नॉल्ड को भी अप्रोच किया था। बल्कि अर्नॉल्ड तो इस कैरेक्टर में बिल्कुल फिट भी आ रहे थे, लेकिन उन्होंने इस फिल्म के 30 दिन के शूटिंग के लिए 100 करोड़ रुपये का डिमांड किया, और अगर एक भी दिन ज़्यादा रुकना पड़ता तो हर दिन के 2 से 3 गुना ज़्यादा पैसे उन्हें देने पड़ते। रकम ज़्यादा होने की वजह से फिल्म मेकर्स ने उनके बजाय अक्षय को फिल्म ले लिया। वहीं दूसरी तरफ रजनीकांत के हेल्थ इशू के कारण यह रोल आमिर खान को ऑफर किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि जब भी वो इस रोल को इमेजिन करते हैं उन्हें सिर्फ रजनी सर ही नजर आते हैं। फिल्म के केवल म्यूजिक लॉन्च इवेंट में 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जो कि बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्में जैसे कि हेड स्टोरी, तनु वेड्स मनु और आस्की 2 के टोटल बजट से भी बहुत ज्यादा है। दोस्तों, ये इंडिया की पहली ऐसी फिल्म होगी जो 15 लैंग्वेजेस में रिलीज होने जा रही है, जबकि वही बाहुबली 2 सिर्फ 4 लैंग्वेजेस में रिलीज हुई थी। फिल्म के सेट पर सिक्योरिटी रीजन की वजह से किसी को भी मोबाइल फोन या फिर स्टोरेज डिवाइस लाने का परमिशन नहीं था, चाहे वो एक्टर हो या फिल्म का कोई और मेंबर। यहाँ तक कि मूवी के बारे में किसी को डिस्कस करने की भी अनुमति नहीं थी, और ये सब इसलिए था कि अक्षय का रूप क्रोमैन मीडिया में लीक हो गया था और हाल ही में 2.0 के कुछ और फोटोज लीक हो गए हैं। फिल्म में रजनीकांत और अक्षय कुमार के अलावा एमी जैक्सन, आदिल हुसैन और सुधांशु पांडे भी अपने अपने किरदार में नजर आएंगे। 2.0 के सैटेलाइट राइट्स 110 करोड़ में बिके और हिंदी थ्रेडिकल राइट्स बिके 80 करोड़ में, जो आज तक का सबसे बड़ा अमाउंट है। दोस्तों, सैटेलाइट राइट का मतलब है फिल्म के प्रोड्यूसर्स 110 करोड़ में इस फिल्म को टीवी पर कुछ समय के बाद इसे दिखाने की अनुमति दी है। अगर हम बाहुबली 2 से इसे कंपेयर करें तो उसके सैटेलाइट राइट 78 करोड़ और हिंदी राइट्स 50 करोड़ में बिके थे। फिल्म में रजनीकांत 5 डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जिसमें से एक रोबोट, एक साइंटिस्ट, 2 बौने लोग और एक विलेन का रोल है। लेकिन अक्षय कुमार के फैंस के लिए एक गुड न्यूज है, अक्षय कुमार इस फिल्म में कुल 12 डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं और उनका हर एक किरदार देखने लायक होगा। दोस्तों, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि एग्जैक्ट फेस कॉपी करने के लिए कैसे अक्षय कुमार और रजनीकांत प्लास्टर फेस कास्टिंग टेक्निक की हेल्प ले रहे हैं। अक्षय कुमार के सिर्फ मेकअप में 6 घंटों का समय लगता था और इस कारण उन्हें सेट पर सबसे पहले आना पड़ता था। इस फिल्म में म्यूजिक दिया है ऑस्कर विनर एआर रहमान ने। उन्होंने कहा है, मैं कोशिश करूंगा कुछ यूनिक हो इंडिया और वर्ल्ड के लिए। 2.0 में टोटल 5 साउंड ट्रैक्स हैं, लेकिन फिल्म में हमें सिर्फ एक सॉन्ग देखने को मिलेगा। फिल्म को बनाने के लिए एक बहुत ही कुशल टेक्निकल टीम तैयार की गई है। ऑफिशियल कॉस्ट्यूम डिजाइनर मैरी ई वोगट, जो हॉलीवुड के मैन इन ब्लैक, बैटमैन और तमिल के आई जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्मों के किरदारों के कॉस्ट्यूम डिजाइन कर चुकी है। मूवी में स्पेशल इफेक्ट्स के लिए जॉन ह्यूज और वॉल्ट जोन्स को साइन किए गए हैं, जिन्होंने लाइफ ऑफ पाई और 300 जैसी ढेरों मूवीज में काम किया है। फिल्म का एक बड़ा एक्शन सीन दिल्ली के जवाहरलाल स्टेडियम में शूट किए गए हैं, जहां पर अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन ने सरप्राइज विजिट किया था। उसी समय उनके फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस की अफवाह भी फैली थी।
ऐसे ही जब फिल्म की फर्स्ट लुक रिलीज हो रही थी तो सलमान खान इनवाइटेड नहीं होने के बाद भी वो इवेंट पर सिर्फ रजनीकांत से मिलने पहुंच गए। रजनीकांत का कहना है कि 2.0 के VFX बॉलीवुड के स्टैंडर्ड को मैच करेगा, वहीं अक्षय कुमार का कहना है कि 2.0 इतिहास रच देगा। दोस्तों आपको क्या लगता है इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होगा? क्या यह बाहुबली और दंगल जैसी सुपरहिट फिल्मों को पीछे छोड़ पाएगी? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।